हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ठंड बैंगलोर में भी इस बार पड़ी है। एक्चुअली ठंड के मौसम में ना ठंड नहीं पड़ती बैंगलोर में। नॉर्मली पूरे साल बीच बीच में हमें स्वेटर पहनना पड़ता है और कंबल ओढ़ना पड़ता है, तो आप लोग तो मेरे ब्लॉग में देखते ही हो। तो इस बार विंटर के शुरुआत में बैंगलोर में काफी अच्छा ठंड पड़ी है बिकॉज ऑफ रेन। एवरी डे रेन हो रहा है, आज भी रेन हो रहा है। तो आज मैं अपना बहुत शौक से अपना एक विंटर वेयर की कलेक्शन बनाने जा रही हूँ, वो भी स्टूडियो में, जहाँ पे मेरा पॉकेट का पॉकेट भी बच जाएगा और विंटर वेयर की कलेक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, ताकि मैं एवरीडे चेंज कर करके अपने अलग अलग से लोअर के साथ उसे पेयर कर सकूँ। तो चलिए चलते हैं, क्या क्या वहाँ पे कलेक्शन आया है और उसमें से क्या क्या मैं लेती हूँ, उसका प्राइस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। I'm laying down at the compile it. तो अंदर आते ही मुझे मिल गया सारे वो स्वेटर्स और वो विंटर वेयर, जो कि एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं इस तरह के की कुछ लूंगी। तो यहाँ पे जो लाइलैक कलर का आप स्वेटर देख रहे हो, ये मुझे बहुत पसंद आया है। मतलब राउंड शेप का है, एकदम डिसेंट और सिंपल सा है, पर जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर कई सारे शेड्स भी है, आप देख सकते हो ये आसपास में है, तो वो भी हम ले सकते हैं अगर हमें पसंद आते कलर तो। पर मुझे लाइलैक कलर थोड़ा ज्यादा ही पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और सिर्फ स्वेटर्स नहीं, यहाँ पे आपको कई सारे ट्राउजर्स भी मिल जाएगा, चाहे वो ट्रैक पैंट हो या तो जो घर पे हम मतलब राफ यूज के लिए यूज करते हैं ट्राउजर, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थे, तो मैं वो भी थोड़ा ट्राई करी थी। तो बहुत दिनों बाद मुझे डेनिम का कुछ मिला, जो कि मैं हमेशा से चाहती थी कि थोड़ा लॉन्ग लेंथ का कोई डेनिम शर्ट हो या कोई जैकेट टाइप्स हो, जो कि मैं क्रॉप टॉप के साथ पहन सकती हूँ एज अ कोट, एज अ जैकेट या ओवरकोट। तो इस तरह के कुछ मुझे मिल गया, तो ये मुझे लगता है कि दो तीन टाइप के, दो तीन स्टाइल में आप यूज कर सकते हो, तो ये भी मैं शायद देख लूंगी। एक्चुअली यहाँ पे एक एक चीजें इतना अच्छा था, और जो भी मैं पहन रही हूँ मुझे लगता है कि हाँ यही सही है, यही ले लेते हैं, पर इतना सब कुछ तो लेना पॉसिबल नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं है। तो उनमें से जो मुझे प्रोडक्ट लगेगा कि मुझे चाहिए ही चाहिए, वही मैं अपने बैग में डाल रही हूँ। पर सीरियसली अगर आप यहाँ पे आते हो ना, तो आपके बजट के अंदर आपको क्या कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा आपके दिमाग में हो और यहाँ पे ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब इतने सारे कलेक्शन है और उसमें भी इतने सारे कलर्स के ऑप्शन भी है। जब विंटर की बात आती है तो सॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो दो सॉक्स का पेयर भी मैं लूंगी। और अभी हम जाएंगे शूज के वहां, क्योंकि मुझे एक या दो कैजुअल शूज लेना है, क्योंकि मेरा जो कैजुअल शूज है ना वो बहुत ही गंदा हो गया है, कुछ जगह पे खराब भी हो चुका है। तो जीन्स के साथ एक्चुअली मुझे विंटर में हमेशा पहनना अच्छा लगता है कैजुअल शूज। यहाँ पे बिलिंग काउंटर है ना, वहाँ पे कार्ट में जो सारे हेयर एक्सेसरीज है वो माइंड ब्लोइंग है, और बच्चों से लेके हम मतलब हमारे एज तक हर किसी के लिए, हर टाइप के हेयर के लिए वहाँ पे हेयर एक्सेसरीज है, चाहे वो हेयर बैंड हो या हेयर टाई करने जो रबर बैंड है वो हो, या मतलब क्लैचर, सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगा। और नेल पेंट्स का जो कलेक्शन है, जो शेड्स है, माई गॉड, जो भी आप देखेंगे ना वही आपको पसंद आ जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं शोमाली। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरा जूडियो शॉपिंग हॉल, वो भी विंटर स्पेशल। तो जो मैं पहनी हुई हूं ये भी जूडियो से लिया गया है, और बैंगलोर में अभी काफ़ी ठंड पड़ा है, तो मुझे लगता है ऐसे हल्का फुल्का सा थोड़ा सा विंटर वेयर हमें परचेस करना चाहिए, जो कि जीन्स स्कर्ट या कोई भी लोअर के साथ, मतलब ट्राउजर के साथ वो अच्छा दिखे। तो स्टाइल विथ विंटर, ये दोनों को ही एक साथ हमें रखना चाहिए, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता और हिमाचल, ये सारे साइड्स में जो विंटर जिस तरह से आता है, तो उनका विंटर वेयर का कलेक्शन कुछ और होगा।
जैसे कि बैंगलोर या तो मुंबई, मुंबई में तो मैंने सुना है कि ठंड पड़ती नहीं है, तो ये सब जगह पे जहाँ पे हल्का फुल्का सा ठंड पड़ती है, तो वहाँ के लोगों का जो विंटर कलेक्शन होगा वो थोड़ा अलग टाइप की होगा, मतलब कैटेगरी थोड़ा सा अलग होगा। तो इस तरह से यहाँ पे यानी कि बैंगलोर के वेदर के हिसाब से मैंने कुछ विंटर वेयर शॉपिंग की है, तो चलिए आपके साथ एक ट्रायन हॉल शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला स्वेटर आपको दिखाना चाहूंगी जो कि बहुत ही एक प्यारा कलर है, ये लाइलक कलर है और उसके ऊपर येलो का ऐसे स्ट्राइप है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, और ये जीन्स के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। इसे हम बोल सकते हैं क्रॉप स्वेटर, प्रॉपर क्रॉप नहीं, पर इसे आप क्रॉप की सबसे, अगर हाइट आपको थोड़ा सा बड़ा लंबा होना तो ये थोड़ा क्रॉप की तरह काम करेगा। एंड इसका जो बुनावट है ये बहुत ही अच्छा है, इसका जो क्वालिटी है मैं फील कर पा रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत है, हल्का सा एक वर्म आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती। और आप अगर चाहे तो नीचे एक स्पैगेटी पहन सकते हैं, उसके ऊपर ये पहन सकते हैं, तो हल्का फुल्का ठंड में भी इसे आप पहन सकते हो। प्रॉपर टॉप के साथ ये इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसका स्टाइल ही है, आप ऐसे जो लॉन्जरीज पहनना है वो पहनिए और उसके ऊपर ये पहन के आप बाहर जा सकते हैं, जींस के साथ बहुत अच्छा दिखेगा। और अगर आपको थोड़ा ज्यादा ठंड लगती है तो एक स्पैगेटी भी पहन लीजिए इसके नीचे और उसके ऊपर ये पहन लीजिए। और इसका जो ये स्लीव का डिजाइन है ये भी मुझे बहुत पसंद आया है, बिकॉज आप देख सकते हो बिल्कुल इलास्टिक की तरह एकदम चिपक के रहता है और इसका राउंड नेक है, तो इस तरह से ये ऑल ओवर ये स्वेटर मुझे बहुत पसंद आया है। इसमें 4-5 टाइप के कलर्स है, तो वो कलर भी आप चूज कर सकते हो, पर पता नहीं क्यों मुझे लाइलक कलर बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए। और उसके बाद जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है और एक खूबसूरत सा स्वेटर, जो कि ये भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, पर इससे एकदम डिफरेंट। फ्रंट में हाफ जिप है, इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप ऐसे कॉलर की तरह, एक शर्ट की तरह भी अगर आप यूज करना चाहे तो आप कर सकते हो। और अगर यहां तक आप जिप को लॉक कर देते हो तो ये हाइने की तरह काम करेगा, वो भी बहुत खूबसूरत दिखेगा। इसका जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा फड़ी है, ये उलेन के ऊपर फड़ी कुछ मटेरियल है जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, और इस तरह के हर साल मेरे पास कुछ ना कुछ एक नया रहता ही है, तो इस साल ये है। साल मैं भूल गई, दिल्ली गई थी तो वहाँ से एक वाइट कलर का मैं लाई थी, तो इस तरह के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देख के लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ये पहनने के बाद तो मतलब आप ऐसे स्वेट होने लगोगे बैंगलोर के वेदर में, पर एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा लाइट है और पहनने के बाद बहुत ही लाइट फील होता है, और इसके साथ आप दो टाइप के स्टाइल भी कर सकते हैं। एंड हाँ, बिल्कुल ऐसे ही इसके नीचे आपको टॉप पहनने की ज़रूरत नहीं है, इसे एज अ टॉप भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसका फुल स्लीव है, स्लीव भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ओवर साइज डिज़ाइन है एक्चुअली इसका, और फुल स्लीव है, ये भी मतलब फुल लेंथ यहाँ तक आपका आ जाएगा, वो भी एक स्टाइल हो सकता है। अगर यहाँ पे आप रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसका जो इलास्टिसिटी है ये भी बहुत अच्छा है, इसे आप ऐसे एल्बो लेंथ तक भी रख सकते हैं, तो ये भी और एक स्टाइल होगा। एंड देन उसके बाद मैं आपको अभी जो दिखाने वाली हूँ ये एक यूनिक कलर है, जो कि मेरे लिए यूनिक कलर है बिकॉज आज से पहले ऐसे कलर का मैंने कुछ भी नहीं पहनी है। ये थोड़ा सा बैगी स्वेटर है और इसका जो स्लीव है ये भी थोड़ा सा लूज फिटिंग एक्चुअली ये होगा, राउंड नेक है, और इसका जो ये डिज़ाइन है ये भी बिल्कुल बचपन की याद दिलाती है। बचपन में हम जब स्वेटर पहनते थे तो मेरी मासी मेरे लिए ऐसे कई सारे स्वेटर मतलब नीट किया था, और ये भी आजकल मशीन में भी ऐसा ही होता है, तो बचपन की याद भी आ गई, तो ये देख के भी ले लिया कि बहुत पहले जब छोटी थी तब ऐसे डिज़ाइन की पहनती थी उलेन, और ये भी उलेन ही है पर ये हाथ में नहीं मशीन से किया गया डिज़ाइन है, और दोनों साइड में थोड़ा स्लीट है, ये भी और एक स्टाइल हो सकता है। तो ऐसे ही आप इसे इन करके भी पहन सकते हो, मतलब फ्रंट साइड इसे आप टक कर सकते हैं, पीछे की साइड ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और इसे आप फुल भी ऐसे बिना टक के पहन सकते हैं, तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल में इसे आप पहन सकते हो। तो वो विंटर का विंटर और स्टाइल का स्टाइल। और उसके बाद मैंने लिया है एक जींस का शर्ट कम श्रग कम जैकेट, तो ये एक्चुअली इसे आप ड्रेस के हिसाब से भी, हाँ कम ड्रेस, इसे आप ड्रेस के हिसाब से भी पहन सकते हैं, ये बहुत स्मार्ट लुक देता है, और इसे मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, आपको दिखाने से पहले ही मैं ऑलरेडी इसे यूज़ कर चुकी हूँ। इसे एज अ जैकेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसमें जो लुक आता है ना वो एज अ ट्रेंच कोट वाला लुक आता है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था।
मैंने जब इसे चूज की थी ना, तो ट्रायल रूम में जाके सबसे पहले मैंने ये देखा था कि शर्ट के बिना, मतलब ये एज अ ड्रेस आप पहन सकते हो, पर ड्रेस के बिना भी क्या क्या स्टाइल इसके साथ किया जा सकता है। तो सबसे इसका अच्छा जो मुझे लगा, जो स्टाइल मुझे अच्छा लगा, वो है एज अ ट्रेंच कोट। तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि जीन्स क्रॉप टॉप और साथ में ये, या तो जीन्स कोई टैंक टॉप और साथ में ये, बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल जो आप अभी देख रहे हो इसके साथ मैंने स्टाइल किया है, सेम ऐसे स्टाइल में मैं गई थी मॉल, जाके कुछ शॉपिंग था वो किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रंट ओपन है इसका, फुल स्लीव है, और पीछे टाई करने के लिए भी एक बेल्ट दिया गया है। इसे अगर चाहे ट्रेंच कोट की सबसे अगर आप इसे यूज़ करना चाहे तो इसे आप पीछे भी ऐसे टाई कर सकते हैं, और अगर एज अ ड्रेस आप इसे पहनना चाहे तो इसे सामने भी आप इसे टाई कर सकते हैं, वो वाला मुझे नहीं करना है। और प्रॉपर कॉलर के साथ सामने दो पॉकेट है, पॉकेट में भी बटन सिस्टम है, और हाँ साइड में पॉकेट नहीं है, पर यह है इसका ऑल ओवर लुक जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि मेरा आउटफिट देखने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक बहुत ही स्मार्ट एक डिसेंट लुक आता है इसमें, और हल्का फुल्का ठंड के लिए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने लिया है दो ट्राउजर्स, एक्चुअली ये रफ यूज के लिए, पर ये रफ यूज के लिए नहीं, ये हम बाहर जाके भी पहन सकते हैं, बाहर जब जाएंगे तब भी इसे हम पहन सकते हैं। कार्गो स्टाइल में एक फुल ट्राउजर है, इसके नीचे ऐसे इलास्टिक का धागा है जिसे आप आपके ग्रिप के, मतलब आप जैसे लूज चाहे तो लूज भी कर सकते हो, और अगर आप टाइट चाहे तो उसे भी कर सकते हो, मतलब आप अपने हिसाब से इसे स्टाइल कर सकते हैं। पर जैसे कि ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो मुझे लगता है कि मेरे एंकल के वहाँ पे इसे थोड़ा सा टाइट करके नॉट करना पड़ेगा, तो जाके इसका एक स्टाइल आएगा। और ये तो मैं ऑल्टर नहीं कर सकती, इसका जो डिज़ाइन है इस डिज़ाइन के हिसाब से मैं इसे ऑल्टर नहीं कर सकती। तो जो भी है ये मुझे बहुत पसंद आया है, और ऐसे कार्गो स्टाइल में लोअर मेरे पास नहीं था, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ऐसा ही एक लेना है मुझे, तो चलो आज मिल गया। और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, पीच कलर है इसका, और फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद मैं एक रफ यूज़ के लिए, या बोल सकते हैं रफ यूज़ के लिए, एक ट्राउज़र लिया है, और ये भी मुझे बहुत अच्छा है, पर सिक्स पॉकेट स्टाइल में है, ये अगर नहीं होता तो ही अच्छा लगता, पर क्या कर सकते हैं। इसका एक्चुअली फैब्रिक मुझे इतना अच्छा लगा कि एकदम कॉटन है, मुझे लगा कि ये घर पर मैं पहन सकती हूँ टॉप के साथ, जैसे कि मैं मतलब घर में ट्राउज़र पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, शॉर्ट्स मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ही जाके मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ, अदरवाइज मुझे छोटे ड्रेस में आप बहुत ही कम देखेंगे। पता नहीं, हर किसी का अपना अपना एक चॉइस होता है, मैं स्टाइल करना अच्छा लगता है पर फुल लेंथ के साथ, मुझे शॉर्ट्स बहुत ही कम देखेंगे और मैं पहनती भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा। पहनना पड़ता है इंसान को जगह के हिसाब से, या आपके सीजन के हिसाब से पहनना पड़ता है, वो अलग बात है, पर ये मुझे ब्लैक में बहुत अच्छा लगा इसका। और एक कलर है जो कि ग्रीन में है, वो भी बहुत अच्छा था, पर इसमें यहाँ पे आपको इलास्टिक के अलावा भी मिल जाएगा धागा जिसे आप टाई कर सकते हो आपके वेस्ट के हिसाब से, अगर छोटा बड़ा मतलब लूज कुछ हो तो। तो ऑल ओवर ये जो ट्राउजर है ये मुझे बहुत पसंद आया है, नॉर्मली जो टी शर्ट्स हम घर में पहनते हैं ना, तो वो टी शर्ट्स के साथ तो ये बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। और उसके बाद मैंने लिया है कैजुअल शू, और ये भी आपने स्टोर में देखा था कि मैं इसे ट्राई करी थी, और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइट मतलब पीच और वाइट में है, तो पीच और वाइट में क्या होगा कि आप कोई भी ड्रेस के साथ इसे पहन सकते हैं, अदरवाइज मैंने पहले जो देखा था व्हाइट एंड लाइलक कलर में, तो वो अगर दूसरे कलर के आप टॉप पहनो ना उसके साथ इतना अच्छा नहीं जाएगा, तो मैंने बोला यही ले लो, तो मैंने सोचा हाँ यही सबसे अच्छा है। इसका जो सोल है इसे आप देख सकते हो, इतना थिक सोल का मैंने कभी कैजुअल शू नहीं पहनी थी, पर आज चलो स्टाइल कभी कभार चेंज करना चाहिए, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका प्राइस की सबसे तो ये बहुत ही बढ़िया है। और उसके साथ लिया है दो सॉक्स, ये सॉक्स भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ब्लैक और पिंक में ग्लिटर है, और ये पिंक एंड वाइट में है, और एक रबर बैंड का बंच जो कि हमेशा ही मेरा गुम हो जाता है जब भी मैं कहीं पे मतलब हेयर टाई करके जाती हूँ, उसके बाद पता नहीं कौन से ट्राउजर के पॉकेट में छोड़ देती हूँ, कहाँ पे छोड़ देती हूँ पता नहीं क्यों, जब मुझे ज़रूरत पड़ती तब मुझे नहीं मिलती, तो इसलिए सारे पर्स के अंदर मेरा ऐसे रबर बैंड रहता है, मेरा लिप बम रहता है जो कि मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैं बाल ऐसे छोड़ के भी कहीं पर जाती हूँ ना तो भी मेरे पास रबर बैंड रहता है, क्योंकि अभी ऐसे अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि कुछ देर बाद मुझे गर्मी लग जाए तब मुझे ये बाल टाई करना पड़ता है, तो इसलिए जितना खरीदो उतना ही कम। सो गाइज ये था मेरा आज का शॉपिंग हॉल, तो ये जो सारे विंटर वेयर है ये मुझे बहुत पसंद आया है, आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना, और मुझे लगता है कि ये सारे वर्थ है बिकॉज स्टूडियो में आपको पता होगा कि 1000 के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, 1000 के नीचे है, और जो स्वेटर्स आपको दिखाई ना मैंने वो 1000 के नीचे कुछ है, 999
तो चलो 1000 ही मान लेते हैं, पर 1000 के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। अगर आप शॉप में एक टॉप भी खरीदने जाते हो ना, तो भी आपको 1000 में नहीं मिलता, 1200 या 1300 या 1500 ऐसा मिल जाता है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।